ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने एक पुलिस ऑफिसर को बेदर्दी से मारकर उसके सर को उसकी बॉडी से अलग करके फुटबॉल खेला था। ये वो शख्स है जिसने 180 लोगों को मौत के घाट उतारा था और 2000 से ज्यादा बेजुबान जानवरों को मारा था। सिर्फ इतना नहीं बल्कि इस दरिंदे ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी नन्ही बेटी के सर को एक पत्थर से कुचलकर खत्म कर दिया था। इसके बावजूद भी कई लोग इसको रॉबिन हुड के नाम से जानते हैं और ये इंडिया का पहला ऐसा गैंगस्टर था जिसपे दाऊद इब्राहिम के बाद सबसे ज्यादा इनाम रखा गया। जी हाँ, ये कहानी है चंदर तस्कन वीरप्पन की। ये बात है 8 अप्रैल 1993 की, जब तमिलनाडु के कोलाचर इलाके में एक पोस्टर लगवाया गया था जिसमें वीरप्पन ने पुलिस को एक खुली धमकी देते हुए उस पोस्टर में ये लिखा था कि कल वालू गली पट्टी में मैं दिन गुजारूंगा, अगर तुम लोग मेरा कुछ उखाड़ सकते हो तो आके उखाड़ लेना। ये बात सुन के तमिलनाडु की पुलिस एक्शन में आ गई और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो दो बसेस में बैठ के पूरी पुलिस फोर्स के साथ मिलके वीरप्पन का काम तमाम करेंगे। लेकिन वीरप्पन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। वो उस दिन उन दो बसेस में बैठे सभी पुलिस ऑफिसर की मौत की प्लानिंग करके बैठा हुआ था। वीरप्पन ने पुलिस बसेस के आने वाले रास्ते पे कई जगहों पर ऐसे एक्सप्लोजन फिट किए थे जिसके धमाके से वो सभी पुलिस ऑफिसर्स उस दिन उन्हीं बसेस में जल के राख हो गए और उनकी बॉडीज के परखाचे उड़ गए। अगर बात करें वीरप्पन के बचपन की तो वीरप्पन अपने बचपन में ही इस रास्ते पे आ गया था, यानी कि क्राइम के रास्ते पे। उसने अपनी 17 साल की उम्र तक दो खून कर दिए थे जिसमें उसने एक बेजुबान हाथी को मारा था और एक इंसान को। 17 साल की उम्र में जो बच्चा ऐसा कर सकता है तो आप लोग बहुत आराम से अंदाजा लगा सकते हो वो बड़ा होके क्या क्या कर सकता है। वीरप्पन आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया और उसने बड़े होते साथ ही क्राइम की दुनिया में अपने पैर भी जमाना शुरू कर दिए थे। उसने शुरुआत की थी जंगल में हाथियों को मार के उनके दांत बेचने से। वीरप्पन ने देखते ही देखते अपने साथ एक अलग गैंग भी जोड़ लिया था और उसी गैंग के साथ मिलके वो बड़े बड़े क्राइम्स किया करता था, जैसे किडनैपिंग, एक्सट्रोशन, एनिमल ऑर्गन स्मगलिंग। उसी दौरान वीरप्पन एक अलग किस्म का प्रबल बन रहा था पुलिस के लिए और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए पुलिस ने फैसला किया था कि कैसे भी करके इस चिंगारी को आग बनने से पहले रोकना होगा। मगर वीरप्पन हमेशा पुलिस से दो कदम आगे रहता था क्योंकि उसके पास जंगल था। ऐसा समझ लो कि जंगल उसके लिए उसका घर था। वो जंगल के बारे में इतना कुछ जानता था कि वो ना तो वहाँ के जंगली जानवरों से डरता था और ना ही उसे जंगल में रहने से कोई दुश्वारी होती थी। वो बंदूकबाजी में भी अच्छी खासी महारत रखता था। उसका निशाना इतना अच्छा था कि वो मीलों दूर से बड़े बड़े हाथियों के सर के बीच में गोली मार देता था। पुलिस वीरप्पन को जब भी पकड़ने की कोशिश करती थी तभी ये कैसे न कैसे करके पुलिस को ही नुकसान देके वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था। वीरप्पन के पीछे पुलिस हाथ धो के पड़ी हुई थी और एक दफा पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और उस दिन वीरप्पन की गोद में उसकी छोटी बच्ची भी थी। जैसे तैसे करके पुलिस से छुपने की कोशिश करता है मगर उसी दौरान उसकी बेटी रोने लगी थी जिससे उसका भांडा फूट सकता था। तो इस दरिंदे ने अपनी नन्ही बच्ची का सर कुचल के उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करवा दिया ताकि पुलिस उसका पता न लगा सके उसकी आवाज से, और वो उसके बाद वहाँ से अपनी जान बचा के फरार हो गया था। इस बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं उसकी बेटी एक्सीडेंटली मर गई थी, कुछ लोग कहते हैं उसने अपनी बेटी को पहले ही मार दिया था, एग्जैक्टली एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गॉड नोस इसमें कितना सच है। वीरप्पन इसके बाद पूरी पुलिस फोर्स का एंटी हो गया था। वो आए दिन पुलिस वालों को मौत के घाट उतारता रहता था। एक दफा तो हद ही हो गई थी। वीरप्पन ने एक पुलिस ऑफिसर को मार के उसका सर उसके घर से अलग करके उससे फुटबॉल खेला था।
वीरप्पन बहुत चालाक था। वो तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे रहता था। उसे जब कर्नाटका की पुलिस पकड़ने के लिए आती थी तो वो तमिलनाडु भाग जाता था, और जब तमिलनाडु की पुलिस उसे पकड़ने के लिए आती थी तो वो कर्नाटका भाग जाता था। और वो ऐसे ही स्टेट को बेवकूफ बनाता रहता था। दूसरी तरफ इतना क्रूर क्रिमिनल होने के बावजूद जिस इलाके में वीरप्पन का ठिकाना था वहाँ के लोग उसे अपना दाता मानते थे, और वो वीरप्पन को रॉबिन हुड कहते थे। वो लोग पुलिस की किसी भी किस्म की मदद नहीं करते थे वीरप्पन को पकड़वाने में, क्योंकि वीरप्पन उनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करता था। That's why, अगर गिनने बैठ जाए तो वीरप्पन के बेशुमार किस्से हैं जिनको बयान करना इस एक वीडियो में तो इतना मुमकिन नहीं, लेकिन जितना हो पा रहा है इसमें आपको वीरप्पन के बारे में बताएंगे और आपको आगे चल के ये भी बताएंगे कि वीरप्पन को कैसे मारा गया। लेकिन ये बात आपको वीरप्पन की पावर का अंदाजा दिला सकती है। वीरप्पन बोलता था वो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है, और उसने ऐसा साबित भी किया था। उसने तमिलनाडु के एक सीएम को किडनैप किया था, जिसके बाद दो स्टेट्स की गवर्नमेंट लगभग हलचल में आ गई थी। लेकिन वो कहते हैं ना, हर बुरे इंसान का एक बुरा अंत जरूर होता है। पुलिस ऑफिसर विजय कुमार वो इंसान था जिसने वीरप्पन के आधे से ज्यादा गैंग को अपनी स्पेशल टास्क फोर्स से खत्म कर दिया था। अब वीरप्पन बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका था, क्योंकि उसकी गैंग में अब बस कुछ गिने चुने बंदे ही बचे थे, और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी बहुत खराब चल रही थी। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात थी जो पुलिस ऑफिसर विजय कुमार को पता लगती है कि वीरप्पन की आंखें खराब हो गई हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वीरप्पन को एक पुलिस खबरी और जासूस के थ्रू कन्विंस किया जाता है कि वो अपनी आंखें हॉस्पिटल जाके उनका इलाज करवाए। बहुत बड़ी चाल थी वीरप्पन को मौत के घाट उतारने के लिए, क्योंकि वीरप्पन का जंगल में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसीलिए अगर इस शेर का शिकार करना था तो इसे जंगल से बाहर तो लाना बहुत ही लाजमी था। पहले तो वीरप्पन इस बात के लिए नहीं मानता, बट तकलीफ ज्यादा होने की वजह से वो एग्री हो जाता है अपना इलाज करवाने के लिए, और यहीं पर पुलिस को मौका मिल जाता है इस मगरमच्छ को जंगल से बाहर निकाल के मारने का। ये लोग एक एम्बुलेंस तैयार करते हैं और उसको वीरप्पन के लिए भेजते हैं, जिसका ड्राइवर एक आईपीएस पुलिस ऑफिसर होता है। उस दिन वीरप्पन बहुत सहमा सहमा लग रहा था। उस दिन उसने व्हाइट कलर के कपड़े पहने थे और अपने सिंबलाइज्ड मूछें भी शेव कर रखी थी। बहरहाल वीरप्पन उस दिन एम्बुलेंस में बैठ के इस उम्मीद में निकला था कि वो दोबारा से सही होकर लौटेगा, मगर उसे आगे जो होने वाला था उसका बिल्कुल भी कोई पता नहीं था। एम्बुलेंस अंधेरी रात में एक सुनसान रास्ते से डिम लाइट से चलते चलते अचानक से ब्रेक लगाती है, और उसमें बैठा ड्राइवर एम्बुलेंस से बाहर निकल के भाग जाता है, और उस एम्बुलेंस को चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है। और पुलिस ऐलान करती है कि वीरप्पन, ये तुम्हारा आखिरी दिन है, अगर तुम सरेंडर करना चाहते हो तो बाहर निकल के हमें अपने हवाले कर दो। लेकिन एम्बुलेंस के अंदर से गोलियों की आवाज आना शुरू हुई, तो चारों तरफ घिरे पुलिस ऑफिसर्स ने उस एम्बुलेंस पे 300 से ज्यादा गोलियां दाग दी, जिनमें से सिर्फ दो ही गोलियां वीरप्पन को लगी, और उन्हीं दो गोलियों की वजह से वीरप्पन मौत के घाट उतर गया। और यहीं पे इंडिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल का इनकाउंटर हो जाता है और उसका किस्सा तमाम हो जाता है। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको बी बेस्ट ओरिजिनल की ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने चंदन तस्कर वीरप्पन के बारे में आपको बताया और उसका एनकाउंटर किसने क्यों और कैसे किया। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। गुड बाय।